Forbes Standard 2 achieved International Rank 2, and 10 other students achieved International Rank 6 to 75. डीएवी पब्लिक स्कूल में रही वार्षिक उत्सव की धूम, नन्हे बच्चों ने किया अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन। लॉरेंस रोड स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल डॉक्टर पल्लवी सेठी की अध्यक्षता में कलर्स ऑफ लाइफ विषय पर आधारित वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव में डॉक्टर रमेश कुमार आर्या, डॉक्टर जे पी शू, डॉक्टर पुष्पिंदर वालिया व डॉक्टर अंजना गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो वहीं कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। प्रिंसिपल डॉक्टर पल्लवी सेठी ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हुए विद्यार्थियों की उपलब्धियों से अवगत करवाया। इस मौके नन्हे मुन्ने बच्चों ने विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। नन्हे निरीश बेदी ने उत्सव में महाराणा प्रताप सिंह की भूमिका निभाई, जो सभी के आकर्षण का केंद्र रही। दूसरी कक्षा की छात्रा हुनर कौर ने भी अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। अभिभावक भी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुतियां देखकर बहुत प्रसन्न नजर आए। बच्चों की प्रस्तुतियां देखकर दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान, देशभक्ति की भावना, प्यार इत्यादि के भाव दिखाई दिए। तालियों की आवाज से पूरा स्कूल परिसर गूंज उठा। अपने संबोधन में मुख्य अतिथियों ने स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर पल्लवी सेठी की सराहना करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही उन्होंने स्कूल स्टाफ की मेहनत, उनके द्वारा दी गई बच्चों को शिक्षा इत्यादि की खूब सराहना करते हुए बच्चों के बहुपक्षीय विकास के लिए उन्हें ऐसे ही कार्य करते रहने के लिए प्रेरित किया। इस मौके प्रिंसिपल डॉक्टर पल्लवी सेठी ने आए हुए सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का अंत राष्ट्रीय गान के साथ हुआ। हमारे पब्लिक दिलासा चैनल के साथ बच्चों, आए हुए अतिथियों व प्रिंसिपल डॉक्टर पल्लवी सेठी ने अपने विचार साझा किए, आइए सुनते हैं। फंक्शन को देख करके मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि मैं प्रिंसिपल पल्लवी को मुबारक दूँ, क्योंकि ये 2.5-3 घंटे का फंक्शन था। मुझे पता ही नहीं चला कि 3 घंटे निकले हैं या 10 मिनट, क्योंकि जो बच्चों ने जो थीम दिखाया, जो उन्होंने एक्टिविटी की, जो उनकी एक्टिंग थी, जो उनका कॉन्फिडेंस था, मेरा ख्याल और एक्सीलेंट था। और उनको देख करके मेरे मन में उठा कि हम एक अध्यापक को गुरु कहते हैं, नेशन बिल्डर कहते हैं, तो यहाँ के विद्यार्थी, इस स्कूल के विद्यार्थी बच्चों को नेशन बिल्डर बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। दूसरा मैंने देखा कि जो डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी का और आर्य समाज का मोटिव है कि बच्चों को उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ना,
उनको आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करना और ऐसा प्रदर्शन करना कि वो बेस्ट स्टूडेंट बन के दे आपके टीचर या फिर प्रिंसिपल और बच्चे उन्होंने इस ढंग से अपने आप को प्रेजेंट किया कि वो एक नंबर थे। अब मैं बात कर रहा था वास्तव में ह्यूमन बीइंग की दो तरह के, एक आदमी ये होता है कि वो कहता है कि मुझे ये मौका अपॉर्चुनिटी मिली है मैंने काम करना अपनी वर्क दिखानी है वो एक्सक्यूज नहीं देता। दूसरा ऐसा ही होता है कि कोई काम उसको दिया वो उसने कहना मेरी आज मदर बीमार है मेरी तबीयत खराब है। दो तरह के मैं संस्था की बात जब करता हूँ तो अध्यापक हों चाहे प्रिंसिपल हों तो मेरी उससे एक ही सजेशन होती है कि एक्सक्यूजेज मत दो, क्योंकि मैं कई बार उनको कहता हूँ कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई मार नहीं होता, जब तक ना पड़े थोड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता, कि इंसान को मेहनत करने की ज़रूरत है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में और जो उसको महसूस करता है वो तो एक खुद प्रॉब्लम है। तो यदि आदमी बहुत कर्जियस है हिम्मती है तो वो एक अच्छा इंसान है। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि हमें अच्छे इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा इंसान बनना कोई मुश्किल है, मैं तो कई बार इनको अपने बच्चों को अपने टीचर्स को ये समझाता हूँ सजेस्ट भी करता हूँ कि आप सुबह से शाम तक अपनी अवेल्युएशन करो। आदमी सेल्फ अवेल्युएटर है, सुबह से शाम तक उसने क्या ठीक किया वो तो ठीक हो गया, जो सारा दिन उससे कोई गलती हुई ये प्रण ले कि मैंने कल ये गलती दोहरानी नहीं है। यदि एक एक करके अपनी गलती को ठीक कर लेता तो परफेक्ट इंसान बन जाता। तो इस युवा पीढ़ी से मेरा एक ही निवेदन कि अच्छे इंसान बनो। ये जो नशे हैं बुरी आदतें हैं ये सदा नहीं चलती, ये आदमी को मार देती है। तो यदि हमने अपने उम्र को कम करना है जल्दी मरना है तो उस ओर चलो, ये अच्छे इंसान बनना है तो ये नशे को छोड़ो बुरे काम को छोड़ो एक अच्छे इंसान। प्रोग्राम तो कलर्स ऑफ लाइफ जो आज प्रेजेंट हुआ दैट वॉज परफॉर्म बाय द स्टूडेंट्स ऑफ प्लेपेन एंड सेकेंड क्लास नर्सरी स्टूडेंट्स एज वेल एज सेकेंड स्टैंडर्ड। ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं जो बहुत टाइनी टॉक्स को प्रेजेंट करते हैं दे आर अ लेसन इन देमसेल्व्स। इतने छोटे बच्चों को हैंडल करना आई मीन द क्रेडिट गोज टू प्रिंसिपल पल्लवी जोशी एंड एन एंटायर टीम ऑफ टीचर्स जिन्होंने इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ प्रोग्राम बनाया। और कलर्स ऑफ लाइफ वॉज द टाइटल ऑफ द प्रोग्राम एंड इट टॉट अस अबाउट कलर्स एज वेल एज लाइफ। बच्चों ने जिस तरह से प्रेजेंट किया कलर ऑफ लव, उसमें इतनी जेंटलनेस है प्यार की बात है। देन दे प्रेजेंटेड द कलर सैफ्रन जो केसरी रंग है, हमारी कंट्री की फ्रीडम स्ट्रगल का कलर है, उसमें उन्होंने जिस तरह से फ्रीडम फाइटर्स को प्रेजेंट किया आई थिंक इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट। आई वुड से द पूरा जो प्रोग्राम ही था इट वॉज लाइक एन इमोशनल रोलर कोस्टर फॉर एवरीबडी क्योंकि वी वेंट थ्रू डिफरेंट इमोशंस। कभी बच्चों के ऊपर प्यार भी आता था, देन वी वर स्टंड ऑल्सो बाई हाउ वेल दे वर परफॉर्मिंग और उनके जो इनोसेंट और डिवाइन फेसेस हैं उनके उनमें से जब वो फेमस कोट्स निकलते थे महात्मा गांधी के कोट्स, सुभाष चंद्र बोस के कोट्स, शहीद भगत सिंह के कोट्स, तो हम सबको ऐसे लग रहा था कि हमारे अंदर ये सारी चीज़ें पेट्रियाटिक स्पिरिट कहीं ना कहीं है जो इन बच्चों ने हमारे को दोबारा से रिमाइंड कराई है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज समवेयर दीज टाइनी टॉट्स हैव टॉट अस दैट लाइफ इज टू बी लिव्ड इन लव एंड पीस। Enjoy. So, two girls, they were aged around, I think one was 6 or 7 and the other was 12 and the boy was around 9 years old. So, वो जो तीनों बच्चे आए उन्होंने प्रोग्राम इनका धरोहर एक प्रोग्राम हुआ था सो दे हैपन्ड टू बी विजिटिंग एट दैट टाइम। सो दोज चिल्ड्रन आर फ्रॉम अ वेरी अफ्लुएंट फैमिली एंड दे आर स्टडिंग इन द बेस्ट ऑफ यू एस स्कूल्स। तो जब उन्होंने ये प्रोग्राम देखा तो उसके बाद में दे वर इनिशियली कह रहे थे कि पता नहीं बच्चों को समझ आए या बोर ना हो या बट वेन दे स्टार्टेड द प्रोग्राम दे सैट थ्रू द होल ऑफ इट। और उसके बाद में जब हम बैठे बाहर तो मैंने आई आस्क्ड द बॉय आई सेड आपको कैसा लगा, आई सेड यू मस्ट बी डूइंग सिमिलर प्रोग्राम्स इन योर स्कूल्स इन यूएस। तो ही जस्ट लुक्ड एंड ही सेड
well, not on this scale. He said, उसके मम्मा ने बोला कि नहीं आप भी तो गिटार प्ले करते हो कि तो नो 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 नॉट ऑन दिस स्केल आई कैन नॉट परफॉर्म लाइक दिस एंड देन उनके पेरेंट्स ने एक बात कही कहते कि हमें यहाँ आके एक और बात बहुत अच्छी लगी है रिस्पेक्ट जो स्टूडेंट्स इतने छोटे हैं और खड़े होकर स्टेज के ऊपर सबके नेम्स जो डिग्निटरीज के लेते हैं इतनी रिस्पेक्टफुली उनको ऑनर करते हैं कहते हैं दिस रिस्पेक्ट एंड ऑनर इज मिसिंग इन दैट सिस्टम जो इतने छोटे बच्चों को सिखाया जाता है सो एंड देवर सेइंग कि स्टूडेंट्स आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश इस करके वो जो बच्चे बाहर से आए थे दे कुड वेल अंडरस्टैंड द प्रोग्राम और वो ये कह रहे थे कि इन बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस है विदाउट रीडिंग फ्रॉम अ पीस ऑफ पेपर दे आर एबल टू स्पीक एंड यू नो नरेट वॉट एवर दे हैव टू से सो ये एक बड़ी क्रेडिटेबल और उनके लिए बड़ी अमेजिंग बात वी वर वेरी वेरी प्राउड ऑफ आस्किंग दैट वेरी अभिवादन नमस्ते I'm Dr. Pallavi Sethi and I'm the principal of DAV Public School, Lawrence Road. और आज हमारे स्कूल में जो एनुअल फंक्शन था फॉर प्ले पेन स्टूडेंट्स ढाई साल से लेके आप कह सकते साढ़े तीन साल के बच्चे थे प्ले पेन नर्सरी और फिर हमारे छः से सात के थे दैट इज क्लास सेकेंड स्टैंडर्ड तो इन बच्चों ने बहुत अच्छा एक थीम शो केस किया कलर्स ऑफ लाइफ और बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इससे पहले वाले जो एनुअल फंक्शन के बारे में भी बताना चाहती हूँ एक था जस्ट टच वे जिसमें बच्चों ने बताया कि जो हम एनिमल्स को मैलट्रीट करते हैं जो हमारा प्लैनेट अब एलिंग प्लैनेट बनता जा रहा है तो कैसे हमें उसको बचाना है उसके बाद हमारा था धर्मवर्ग जिसमें हमने बच्चों को फाइव एलिमेंट्स को डिपेक्ट करने को कहा था एंड टुडे इट वाज कलर्स ऑफ लाइफ सो बेसिकली हमारे जो इसके इंचार्जेस हैं आई वुड लाइक टू टेक नेम ऑफ मिस शमा जो कि शुरू से 38 ईयर्स उनको स्कूल में हो गए हैं और वो सारी स्क्रिप्ट खुद लिखती हैं अपने टीचर्स के साथ बैठ के और मैं सारा क्रेडिट सबसे पहले पेरेंट्स को देना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को संस्कारी बना रहे हैं डीएवी स्कूल में उन्होंने बिलीफ रखा हुआ है अपना कि हमारे बच्चे जाएंगे तो सिर्फ डीएवी स्कूल में पढ़ेंगे बिकॉज डीएवी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है नॉट ओनली इन इंडिया बट एट इंटरनेशनल लेवल जो अपने संस्कारों से अपनी रूट से जुड़ा हुआ है जो हमारे महात्मा दयानंद सरस्वती जी ने एक ड्राइव चलाया था कि नारी को पढ़ाओ उसको उसकी आज़ादी दो साथ में ही वैल्यूज बच्चों में इंस्टिल कर दो सो वो चीज़ आज तक हमारे जो हमारे डिविजन मैनेजमेंट हैं हमारे प्रेसिडेंट सर हैं डॉक्टर पूनम सूरी जी आर्य रत्न पद्मश्री एंड साथ में हमारे डायरेक्टर सर हैं जे बी शिव जी जो हमारे इस अमृतसर जोन को भी देखते हैं नॉट ओनली ही आप कहते हैं ना जिस कन्याकुमारी से श्रीनगर तक आप ऐसे कैसे कैसे थे इस डायरेक्टर फॉर मेनी स्कूल्स पैन इंडिया सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि वो भी आज आए हमारे वाइस चेयरमैन एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डीएवी सीएमसी डॉक्टर रमेश कुमार आर्य जी भी यहाँ पे थे एंड दे ऑल थर्डली एंजॉय द प्रोग्राम और मैं पेरेंट्स को क्रेडिट इसलिए देना चाहती हूँ कि वो हमारे अंदर विश्वास रखते हैं और अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं एंड दे आर नो वर्ड्स टू थैंक एंड हैव एन अप्लॉज फॉर आर स्टूडेंट्स इतनी छोटी सी नन्ही उम्र में उनमें इतना कॉन्फिडेंस था कि हम भी जब कोई स्पीच देते तो कागज़ पढ़ के देते पर वो दे वर ऑन द स्पॉट वर्बेटम ओरेट्री स्किल्स इतनी अच्छी थी और साथ में ही जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे से ढाई से तीन साल के बीच के भी उनमें इतना कॉन्फिडेंस था ना वो रो रहे थे दे हैड इनोसेंट स्माइल्स ऑन देयर फेसेस बट जस्ट वन अर्ज टू ऑल द पेरेंट्स प्लीज डोंट स्टील द कलर ऑफ देयर लाइफ ये नन्हे बच्चे आप जिस तरह से उनको मोल्ड करेंगे डेफिनेटली स्कूल में टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको अच्छे सिटीजन्स बनाएं उनकी एजुकेशन उनको प्रोवाइड करें सॉरी ताकि वो अपना फ्यूचर सेफ बना सकें लेकिन जो पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है कि उनकी धरोहर को स्ट्रॉन्ग रखें जैसे जे बी शू सर ने हमारे डायरेक्टर सर ने कहा था कि वो उनके एसेट्स हैं तो अपनी नींव को उनकी नींव को आप बिगाड़ें ना उसको आप अनस्टेबल ना करें हम आजकल गेम करते हैं कि बच्चे मोबाइल ले लेते हैं पर क्या आप अपने दिल पर हाथ रख के पेरेंट्स बताइए सुबह उठते ही सबसे पहले आपके हाथ में जो चीज़ आती है वो है आपका मोबाइल जब बच्चे देखेंगे कि आप खुद सुबह उठते ही मोबाइल यूज़ कर रहे हैं हमारे किसी ने पूछा भी यहाँ पे एक रिपोर्टर ने कि क्या आप बच्चों को ये टीचिंग देते हैं कि वो मंदिर जाएं कितने पेरेंट्स आप में से हैं जो सुबह उठते आपके घर में ही मंदिर बनाए वहाँ पे माथा टेकते होंगे या आपके घर में जो आपके पेरेंट्स हैं उनके पैर छूते होंगे तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स वो संस्कार पेरेंट्स ने डालने टीचर्स का रोल होता है कि जो पेरेंट्स से उनके अंदर संस्कार डाल रहे हैं अपने बच्चों में उनको आगे और निखारें एजुकेशन के थ्रू वैल्यू एजुकेशन देके लाइफ स्किल देके और जो उनके लिए एजुकेशन ज़रूरी है उनका फ्यूचर बनाने के लिए लेकिन अगर घर में पेरेंट्स में झगड़े होंगे ऊंचा बोलेंगे बच्चों के साथ ऊंचा बोलेंगे तो बच्चा वही सीखेगा सो प्लीज़ डोंट रुइन देयर फ्यूचर डोंट स्टील देयर कलर्स ऑफ लाइफ दिस इज़ माई
urge my request to all the parents. We are here, trust in us, we are here to shape their future, but you are there to give them a better life. Thank you so much.